हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्थिर वैद्युतिकी के इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बेहद कम समय में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है गाउस का नियम। गाउस का नियम समझने में बहुत आसान है, और जितना ये समझने में आसान है उतना ही ज़्यादा ये अप्लाई करने में आसान है। तो आपको गाउस का नियम बेहद सिंपल लगेगा अगर जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, अगर आप वैसे ही इन चीजों को समझते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाया है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये आपके समझ में नहीं आएगा। ये एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है? अपने आप में एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ में आवेश रखा हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4। इस बंद पृष्ठ के बाहर एक आवेश रखा हुआ है Q5। तो गाउस की प्रमेय या गाउस का नियम यह बोलता है कि अगर आपके पास एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स फाई जो होगा वो होगा इस बंद पृष्ठ के अंदर सभी आवेशों का योग डिवाइड बाय एप्साइलन नॉट। तो गाउस ने एक जादू की तरह एक नियम दिया कि अगर आपके पास एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स फाई का मान होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, जहां सिग्मा क्यू क्या होगा? गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, जहां एप्साइलन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10^-12। तो यहां पर अगर इस बंद पृष्ठ के लिए हम इस नियम को लगाते हैं तो फाई बराबर क्या आएगा? सिग्मा क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। सिग्मा क्यू इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है? Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 आवेशों का बीज गणितीय योग होता है, तो आपको भी यहाँ पे आवेशों का बीज गणितीय योग करना है डिवाइड बाय एप्साइलन नॉट। इसके अंदर अपन Q5 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि Q5 जो है वो इस बंद पृष्ठ के बाहर है। तो मेरे हिसाब से समझना बेहद आसान है, ये नियम बहुत ही सिंपल है। पढ़िए, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, से पारित विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ भी बोलते हैं, तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स फाई जो है उसका मान गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यहां तक ठीक है? अब देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बंद पृष्ठ बनाया ऐसा, इसमें आवेश रखा हुआ है क्यू, एक बंद पृष्ठ मैंने बनाया ऐसा, इसमें आवेश रखा हुआ है क्यू, एक बंद पृष्ठ मैंने बनाया ऐसा, इसमें आवेश रखा हुआ है क्यू। अब मैं आपसे बोलूं कि फाई निकालिए, तो फाई कैसे निकालोगे? फाई होता है बंद पृष्ठ में कुल कितना आवेश है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस बंद पृष्ठ में कुल कितना आवेश है? क्यू। तो क्या लिखा जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसके लिए निकालते हो फाई, तो आप देखोगे कि बंद पृष्ठ में कुल कितना आवेश है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बंद पृष्ठ में कितना आवेश है? क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए निकालोगे तो बंद पृष्ठ में कितना आवेश है? कुल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बंद पृष्ठ में कितना आवेश है? क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हो कि यहां पर अगर अंदर आवेश सेम है, तो गाउसीय पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो, वो गोलाकार हो, वो आपका वर्गाकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब गाउस के नियम में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह का गाउसीय पृष्ठ ले रहे हो, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आ रहा है। अगर आवेश बराबर है तो गाउसीय पृष्ठ की आकृति कुछ भी हो, फ्लक्स का जो मान है वो बराबर ही आता है, Φ1 बराबर Φ2 बराबर Φ3। पढ़िए, यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सही है। यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चित्र में तीन सतह है S1, S2, S3, जिनमें समान मात्रा का आवेश है, तो इन सभी से फ्लक्स कितना पास हो रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि आकृति किस तरह की है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस आकृति के अंदर आवेश कितना है। सिंपल बात है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक गाउसीय पृष्ठ है और दूसरा गाउसीय पृष्ठ ये है, एक आवेश यहां रखा हुआ है क्यू, एक आवेश बीच में रखा हुआ है। तो जब आप फ्लक्स लगाओगे,
तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बंद पृष्ठ में भी कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो बात मैं सिखाना चाहता हूं वो ये है कि आप देखिए इस बंद पृष्ठ में ये आवेश यहां पर रखा हुआ है और इस बंद पृष्ठ में ये आवेश यहां पर रखा हुआ है, फिर भी कितना आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गाउस का नियम इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आपने आवेश को कहां रखा है, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। देखो दो बातें हैं, एक तो आकृति पर निर्भर नहीं करता, बस आवेश पर निर्भर करता है, दूसरा आवेश किस जगह पर रखा हुआ है इस पर भी निर्भर नहीं करता। कहीं भी रखा हो अगर वो बाउंड्री के अंदर है तो आपके पास फ्लक्स का मान सेम ही आएगा, कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप सोचना चाहो कि सर ऐसा क्यों होता है, तो आप सोचो ये प्लस आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो अभी इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, चार, एक दो तीन चार। अब अगर ये आवेश बीच में भी रखा हुआ है तो भी इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, चार। तो इस ये जो आपका गाउसीय पृष्ठ है इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो चार ही हैं, इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो चार ही हैं, तो स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही यहां पर है, अगर चार रेखाएं गुजर रही हैं तो चाहे वो आपका गोला है तो भी चार निकलेंगी, आपका वर्ग है तो भी चार निकलेंगी, आपका त्रिभुज है तो भी चार निकलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ना तो गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर कर रही है और ना आवेश की स्थिति पर निर्भर कर रही है। और विद्युत फ्लक्स मैंने आपको पढ़ाया है, विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक बात है। अब तीसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ये बताता है कि यार अगर ये आपका बंद पृष्ठ है तो इस बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश रखा हुआ है उस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होंगी, प्लस आवेश है, तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इस प्लस क्यू के कारण। तो इस प्लस क्यू के कारण इस बंद पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, मतलब विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। फिर भी हम क्या बोलें, अगर हम गाउस का नियम लगाएं तो इस सतह के लिए, अगर ये एस वन सतह है तो इस सतह के लिए गाउस के नियम के अनुसार सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, फ्लक्स जीरो, जबकि हमको दिख रहा है कि यहां से कौन गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, फिर जीरो कैसे हुआ। क्वेश्चन को मैं वापस समझाता हूं, ये एक बंद पृष्ठ मैंने लिया, इसके बाहर एक आवेश रखा हुआ है, उस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं प्लस क्यू है तो प्लस से दूर की तरफ है, तो इस तरह से गुजर रही हैं। अब अगर इस बंद पृष्ठ से आपको फ्लक्स निकालना हो तो अभी जो भी मैंने आपको सिखाया उसमें गाउस का नियम आप लगाओगे, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, बाहर का आवेश है, और बाहर के आवेश को अपन काउंट करते नहीं है, तो अंदर का आवेश कितना है, जीरो, तो विद्युत फ्लक्स कितना आ रहा है गाउस के नियम से, जीरो, जबकि हमको दिख रहा है कि यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, फिर विद्युत फ्लक्स जीरो क्यों हो रहा है। ये लॉजिक लिखा हुआ है थर्ड नंबर में, सुनिएगा, ये बताओ कि इसमें से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, चार, कितनी 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 बाहर निकल रही हैं, चार। इसमें कुछ अंदर नहीं आ रहा, 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 केवल बाहर जा रहा है, बाहर जाने वाले फ्लक्स को प्लस लेते हैं, तो इन सब में सारे फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है। इसमें देखो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो अंदर आ रही हैं और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही हैं, आने वाले को प्लस लेते हैं, जाने वाले को माइनस लेते हैं, तो आने वाला फ्लक्स कितना है, प्लस का टू, जाने वाला फ्लक्स कितना है, माइनस का टू, नेट फ्लक्स कितना आ गया, जीरो। इसी कारण से अगर कोई आवेश बाहर रखा हुआ है तो वो सतह के अंदर नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता, क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही होती है उतनी जा रही होती है, इन सब में आने वाली जाने वाली बराबर नहीं है, केवल जाने वाली है, देखो इसमें है ना, तो इस कारण से यहां पे जीरो नहीं है अगर अंदर आवेश है तो, बट अगर आवेश बाहर है तो उसके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी सतह में प्रवेश करेंगी उतनी सतह से बाहर निकल जाएंगी, तो आगत फ्लक्स होता है माइनस, जाने वाला फ्लक्स होता है प्लस, दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यही बात लिखी है, बाह्य आवेश, जो आवेश बाहर रखा हुआ है वो नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता है, क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाली, सतह में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है, तो आगत फ्लक्स जो कि माइनस है और निर्गत फ्लक्स जो कि प्लस है, भाई ये प्लस का दो है ये माइनस का दो है, तो आपस में बराबर है,
तो आगत फ्लक्स माइनस व निर्गत फ्लक्स प्लस होने के कारण नेट कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेट कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये बहुत ही जरूरी बात मैंने आपको बताई कि बाहर जो आवेशक होता है वो योगदान क्यों नहीं देता है बंद सतह के फ्लक्स में, क्योंकि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही है उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही हैं। तो दोस्तों ये गाउस के नियम से संबंधित मैंने आपको बातें बताई। अब आप गाउस के नियम से फाई निकालना हो तो सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट करोगे बिना डरे हुए। आपको बंद पृष्ठ के अंदर आवेश देखना है, उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग लगाना है, बात खत्म, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विद्युत फ्लक्स निकालना सिखाया था परिभाषा से। अब इन दोनों का प्रयोग कर करके हम किस तरह से गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कुछ निकायों के लिए, वो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी नियम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन बातें मैंने इसके बारे में आपको बताई हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आप सभी के लिए आगे लेकर आता रहूँगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।